इस बार हमारे साथ मखलोली हो गई। अब इस बार सिर्फ हम गुस्सा होता ना मेरे को ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है तेरे साथ रहने के लिए। अरे वो मैं थोड़ा सा नंगा होता है, सरदार बुक किया उसके बाद पारुल का ग्लिच हुआ। फेमस यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ पे तो सब कुछ होता है। Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and this is Rishabh Yadav. भाई ऐड शूट हो रहा है भाई। ओह एड शेड शूट हो रहा है। आज हमारे फाइनली आज हमारा हॉस्टल बुक हो गया ध्यान भवन। खुश हुआ भाई। भाई ध्यान भवन बुक हो गया हमारा और लेकिन हमारे साथ एक पोपट हो गया। आई लव यू बेबी। तो गाइस गड़बड़ी हुई कि जैसे पिछले साल हमको ना जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आए तब हमको ऐसा ऑप्शन मिलता था कि हम अपने हॉस्टल में कौन सा हॉस्टल चूज करना चाहते हैं और कौन सा रूम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हमारे साथ मखलोली हो गई। अब इस बार सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम वो हॉस्टल सेलेक्ट कर सकते हैं। गुस्सा होता ना मेरे को, लोग ऐसे घूर घूर के जाते हैं तो भाई मत देखो भाई। हाँ भाई वीडियो बनाता हूँ मैं हूँ मैं। हाँ तो गाइस यही हुआ हमारे साथ, हमारा पोपट हो गया। बट कोई बात नहीं, 4 मिनट के लिए लिंक खुली थी, 4 मिनट में हमने हॉस्टल बुक कर लिया, बाकी सबका क्रैश हो गया तो हम दोनों का तो बुक हो गया। अभी रोहित का भी हो गया पता तेरे को? अब भी रोहित मिला था हमको, बताया क्या हुआ उसका भी हॉस्टल बुक हो गया। बाकी मेरे जो पुराने रूममेट्स थे उनका हॉस्टल बुक नहीं हुआ तो वो बेचारे आजाद भवन को वापस ले लिया उन्होंने, बट हम दोनों का हो गया। हमने तो हम तो गाइस टीपोस की चाय ले गए बेशर्मो जैसे, ये वाली कैंटीन आए हुए हैं। तो गाइस अभी हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए, हम डेली डेली बाहर खाना खाने आ जाते हैं। संडे उस दिन तो संडे था, चलो बाहर खाने खाने आए थे, हॉस्टल में खाना नहीं मिलता, बट आज पता नहीं क्यों हम बाहर खाना खाने आ गए। क्यों भाई क्यों? बस क्या ही बोलो, ये कैसे वॉक कर रहा है भाई? मेरी थोड़ी है भाई, ये तो दूसरों का है। नहीं मेरा है। झूठ क्या बोल रहा है भाई? मेरा है। किसका है? मेरा भाई। जिसका भी हो कमेंट वमेंट करो, चोरा वोरा के लिए दिल्ली के चोर बाजार से है भाई। आज हम पिज्जा खाएंगे। आज मैस में क्या था? मैस में क्या था भाई? भाकरी था भाई मैस में, भाकरी, इसलिए हम मैस नहीं गए, मैस स्किप कर दिया। तो गाइस वैसे बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बट कोई बात नहीं, पिज्जा मिल गया तो अच्छा हुआ। बुरा ये हुआ कि हमको रूम सेलेक्ट करने नहीं मिला। अभी हमको ऐसा लग रहा है क्या कहीं हम अलग अलग ऐसे रूम में फिट ना हो जाए। तो गाइस पारुल में कुछ AIU चल रहा है, पता नहीं कुछ नेशनल वुमेन स्टूडेंट, और उसमें बहुत सारे कॉलेज आए हुए हैं। देखो पता नहीं कौन सी, निर्मा यूनिवर्सिटी, देखो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये तो आप जानते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये तो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ पे तो सब कुछ होता है। मैं अपने हर रील में LPO को भी टैग कर देता हूँ, पीछे पड़ जाती है। इससे याद आया मेरे को कि आप लोग ने मेरे को आ जा भाई, पूरा वो क्लिप खराब कर दी, बोलते इसको काट दे। फिर लोग कमेंट करेंगे 6.33 में आपकी महिला मित्र को देख। अरे भाई लोग कितना नोटिस करते हैं भाई, कितना तुम लोग को वो है भाई महिला मित्र देखने का। डेकोरेशन दे रहे हो भाई पारुल वालों के? डेकोरेशन ही तो बढ़िया होती पारुल वालों, बाकी सब तो अच्छा ही होता है। अच्छा होता है फेक, क्या होता है अच्छा होता है भाई। हटाओ सबसे पहले तो उसको हटाओ भाई, प्रमोशन की जगह डिमोशन कर रहा कॉलेज का भाई। इतना बढ़िया कॉलेज भाई, बताओ तुम क्या बदनामी करते हो भाई। मैं तो इंटर्न भी नहीं करता फिर भी अच्छी उसकी भलाई कर रहा हूँ, भलाई मतलब तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच में दिल से तारीफ छोड़ा देखिए। ये लोग बैठाते भी नहीं भाई, चल चल के पैर तोड़ गए मेरे, इतने बड़े कैंपस बना के ऐसे छोड़ दिया बच्चों को। अब कौन करा बुराई? मतलब ये बुराई थोड़ी है, ये तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, बच्चों को बैठाओ उसमें, हमको लेके छोड़ो वहाँ पे हॉस्टल तक। डूब गया भाई पैर, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को लगा मेमोरी फुल हो गई। तो अबे भोसड़ी के वो बंद करना भाई, म्यूजिक कॉपीराइट म्यूजिक। तो गाइस अभी टाइम हो गया है हमारे हॉस्टल वापस जाने का, 9:30 बजे 9 बजे मतलब 9:30 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी हम घूम रहे हैं पता नहीं कहाँ, क्योंकि अपना वो ध्यान लगा ना मेरे पास है। ये देखो हम फुटबॉल ग्राउंड में घूम रहे हैं आधी रात को, मतलब पारुल वालों के लिए तो आधी रात ही है ना। अब इसका तो अंदर भेज देंगे, हमको जेल में बैठ देंगे भाई। मेरे में कमेंट आया पता है भाई, ये सब कमेंट मत करो भाई, जो बातें नहीं बताई जाती बाहर वो मत बताओ तुम कमेंट वमेंट में करके। भाई मेरे में कमेंट आया कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन कौन सा संडे वाले, संडे वाले व्लॉग वाले में कमेंट आया कि उस दिन क्या हुआ था। नहीं भाई ऐसा मत करो भाई। तो गाइस अभी कुछ नहीं है, अभी हमारे हॉस्टल वापस जाने का टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा घूम फिर लिया, अभी हम वापस से हॉस्टल जाएंगे और क्या करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। अभी नीरज लोग का हॉस्टल बुक नहीं है तो उनसे पूछेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे भाई क्या होता है उनका, अभी वापस से आजाद देना पड़ेगा। गाइस दो प्रिय मित्र मिल गए हमको यहाँ पे। पाजी कौन सा हॉस्टल किया बुक फिर बताओ? सरदार भवन सरदार जी ने सरदार भवन बुक कर दिया। क्या हो गया पाजी, डिप्रेशन में क्यों लग रहे हो भाई? वो ऐसे उनको चाहिए था ध्यान भवन, लेकिन उन्होंने सरदार बुक किया, उसके बाद पारुल का ग्लिच हुआ, फिर ध्यान वापस खुल गया। क्या बात कर रहे हैं, ध्यान मिला? ध्यान मिला नहीं, नहीं पाजी को ध्यान नहीं मिला तो पाजी को सरदार मिला, तो फिर क्या दिक्कत है? सरदार ही चाहिए था ना भाई। ये बोल रहे तू इनके साथ इसके साथ तेरे साथ रहूंगा तो ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं क्यों? ऐसा क्या करता है तू रूम में? क्या मेरे को ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है तेरे साथ रहने के लिए? अरे वो मैं थोड़ा सा नंगा होता है, होता है और तकिए के नीचे आ जाता है। ये सब तो मेरे साथ नहीं हुआ, तू तो मेरे साथ भी सोया है।
मतलब ऐसा नहीं, मतलब साथ साथ में बाजू बाजू वैसा सोया है। हाँ तो चलो राज बताओ क्यों बोल रहे मेरे को ऐसा। तीन दिन में आप अगर रूम में नहीं छोड़ा ना मैं भी यही बाजी और भाई क्या ऐसा क्या है भाई बाजी और बेडमेट से तीन कभी पाजी के कम्बल के अंदर मिल जाता है। कम्बल में मिले थे एक बार याद है भाई। मैं इसके साथ रूम ले रहा हूँ भाई, ये पहले से इसके रूममेट था, इसको अभी छोड़ रहे हैं भगा रहे हैं। अभी मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। जो लोग हाफ के साथ लाइक करते हैं आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला गाइस। हॉस्टल चेंज करने का क्रेज अटल वाले ना, बहुत जल्दी चेंज करने की तेरे को वो होगी। क्यों तेरे को चेंज करने की बहुत जल्दी वो होगी ना भाई। फाइन मारो भाई इस पे, शक्ल देख लो इसकी। फाइन 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 मारो इस पे, फाइन मार दो बट हॉस्टल चेंज करा दो। पारुल यूनिवर्सिटी बी हियर बी वाइब्रेंट। अरे भाई अरे ये मत कर भाई भाई इमेज दियो करना सर मेरे को यहां पे भाई। जहां से उठाया था वहां रखना भाई। वहां रखा था वो वहां से यहीं रखा। उधर रख उधर उधर वहां वहां से उठा सर यहीं रखा। तमीज से खराब हो गई। खराब नहीं है, तुमने खराब कर दिया। लग गए लोड़े। हेलो गाइस तो नीरज बाबू आपको कैसा लग रहा है वापस से सेम हॉस्टल बुक? ठीक है 28 रुपए बचे बस तेरे पास। अरे 28 नहीं है तो गूगल ओपिनियन रिवार्ड दे भाई। तो आपको कैसा लग रहा है वापस से सेम आजाद बुक करके? सेम नहीं है गांडू, अलग है। मतलब आजाद में और इसमें फर्क है। उधर कैंटीन है गाइस, कैंटीन से इधर खाने वाने का कुछ नहीं है। डी के अंदर सीडी तो मतलब अभी अभी जब तक तू शिफ्ट होगा ना तब तक यहाँ पे बन जाएगी भाई। मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि लास्ट ईयर भाई हमको रूम सेलेक्ट करने का बेड नंबर तक हम सेलेक्ट कर सकते थे। इतना अच्छा इस बार भी इस बस से था, इस बार भी इस बस से किया। पहले पहले PMIS से किया, फिर उसके बाद में बोल दिया इस बस से करते हैं। कुछ इधर उधर की हो गया था बट बाद में बुकिंग हुई इस बस से। बट इस बार हमको ना रूम नंबर सेट कर सकते हैं ना बेड नंबर ना कुछ भी। रिस्क है गाइस, पास ला रूम मिल रहा था 6th फ्लोर के, 5th फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, पता नहीं कहां दे रहे हैं अभी। कुछ भी हमको नहीं पता कि हमको रूम कहां मिलने वाले हैं। बस हमने हॉस्टल सेलेक्ट कर सकते थे, हमने हॉस्टल सेलेक्ट कर लिया है। हाफ पेमेंट दे दिया है 48,000 ध्यान भवन की, वही पता नहीं क्या 42 दिए होंगे। 42 दिए होंगे। कितने दिए सब में अपने? 84 है ना आजाद का। हां 84 है। हां तो 42 दिए होंगे ना भाई। हां इस बार शायद 85 है, इस बार 85 हां तो 42.5 दिए होंगे। तो गाइस बेचारों के साथ बहुत गलत हुआ। इन लोग बेचारे 11 बजे से साइट खोल के बैठे हुए थे बेचारे, बट इनका बुक नहीं हो पाया। एक बार बंद करके फिर से खोल दो। मतलब जब मैंने खोला ना तब ध्यान भवन के लिए सिर्फ 80 सीट्स रिमेनिंग ऐसा कुछ आ रहा था। 80 सिर्फ 80 थे जब मैंने खोला था। 11:02 पे साइट खुली है, 11:03 तक हम लोग सब डाल दिए थे, 11:04-05 तक तो हमारा बुक हो गया था। 30,000 जितने बच्चे भाई 3-4 मिनट में सोल्ड आउट खत्म भाई, पूरा हॉस्टल फुल हो गया।